यहाँ तवाइफ की तकदीर और गंदे पानी का मुकद्दर एक जैसा होता है बजरंग। लाख कोशिश करने पर भी जहां जन्म लिया हो उसे वहीं आना पड़ता है। क्या हुआ बताओ शब्बो, आखिर हुआ क्या था? उस दिन गदर सिंह से बचाने के बाद आप तो चले गए थे, मगर सारे गांव में बात फैल गई थी कि मैं तवायफ हूँ, आपकी आपकी रखेल हूँ। ये जानते हैं गांव वालों की नजर बदल गई, फिर क्या, नाली का कीड़ा वापस नाली में आ गया। फिर भी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था शब्बो। तुम्हें एक बार फिर इस नर्क में देखकर जी चाहता है कि सारे गांव को आग लगा दूं। गांव को आग लगाने से लोगों की जबान तो बंद नहीं होगी, वो हमेशा मुझे तवायफ और आपकी रखेल के नाम से पुकारेंगे। बजरंग के हजार रंगों में से एक रंग लाल भी है शब्बो, और मैं इसी रंग से सारी दुनिया के मुंह पर ताले लगा दूंगा और तुम्हारी मांग करूंगा। अरे आप तो बहुत जख्मी हैं, चलिए मैं मरहम पट्टी कर देती हूँ, बहुत दर्द हो रहा होगा ना शब्बो। सारा दर्द सिमट कर मेरे दिल में समा गया है। छोड़ो मुझे, तुम्हारी मांग भरते ही ये जिंदगी एक नए मोड़ पर चल पड़ी। छोड़ो मुझे, पहले जख्म पे मरहम तो लगाने दो। छोड़ो इस जख्म शब्बो, मेरे बाहों में समा जाओ, न जाने आज की रात फिर कभी हमारी जिंदगी में आई ना आई। अच्छा अखी मुच्छड़, शांत किधर है, तेरा ध्यान किधर है? आजा आजा आजा, मैं तेरी रेखा देखूंगा। डंडे मत मार, बैठ जा, हाथ दिखाओ। अरे ये क्या, तेरे हाथ में तो रेखा ही नहीं है। जैसे देख ऊपर से देख, तेरी रेखाएं कहाँ हैं? या फिर ये रेखाएं किसी और रेखा को देकर आया है? अरे वाह, जब मेरे हाथ में नहीं है रेखा तो पंडित तूने क्या देखा? सच सच बता, ऐसा बंडल क्यों फेंका? मैंने तेरे माथे पे लिखी हुई सच्चाई बताई है कि तो बहुत जल्द हवलदार से थानेदार बनने वाला है। ओ, ये तो तभी मुमकिन है पंडित, जब बजरंग जैसा खतरनाक डाकू मेरे हाथ लग जाए। तेरे हाथ में लगेगा, जरूर लगेगा। क्या लगेगा? बजरंग लगेगा। बजरंग को पकड़ने के बाद तो मेरे चेहरे पे नूरी कुछ और होगा। नूरी नूर, अदावर्ज है। क्या अर्ज है? यही तो मेरा फर्ज है। वाह वाह, अदाब को छोड़, बजरंग को देख। बजरंग शब्बो भाई के कोठे से निकल चुका होगा, रास्ते में ही चील की तरह उसे दबोच ले। जैसी आज्ञा पंडित।
क्या मुच्छड़? साले मैं उस बजरंग को नहीं छोड़ूंगा। चल तूफान। ए, रुक। दिलदार सिंह, देखते ही देखते ये क्या हो गया? अंडे पे हाथी खड़ा हो गया। इन सरकार की जंग लगी बंदूकों और रिश्वत के नाम पर दो दो रुपए की भीख मांगने वाले इन सिपाहियों के बल पर इतना मत अकड़, इतना मत अकड़। उधर तू पलक झपकेगा, इधर मैं गायब हो जाऊंगा। गायब? अरे गायब अगर हो गया तू मेरे भाई, तो कमिश्नर करेगा मेरी धुलाई। वर्दी छीन जाएगी, नौकरी चली जाएगी, न सर पर रहेगा छत, न सोने को मिलेगी चटाई। मान जा मेरे बाप। हवलदार दिलदार सिंह, अगर इंस्पेक्टर बनना ही तेरी तमन्ना है तो जा, हमने तेरी तमन्ना पूरी की। ले कर ले हमें गिरफ्तार। ये हुई ना बात, चलो गिरफ्तार कर लो। लॉर्ड, डाकू बजरंग सिंह ने हमेशा कानून और इंसाफ को खिलौना समझा है। इसने खतरनाक डाकू गदर सिंह को पुलिस की कैद से छुड़वाया है, इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूँ कानून इसे कड़ी से कड़ी सजा दे। हाँ, दे दो मुझे कड़ी से कड़ी सजा, दे दो। कर लो कानून के इस काले कोट वाले वकील को खुश, मगर इतना सुन लो जज साहेब, आपकी दी हुई लोहे की ये जंजीरें मेरे लिए मोम के उन खिलौनों से बढ़कर नहीं जो शोलों की शक्ल देखते ही पिघल जाते हैं। मैं जब भी चाहूंगा आपकी इस जेल से, आपकी इस सजा से इस तरह से निकल जाऊंगा जैसे बेकार की बातें एक कान से घुसकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती हैं। मैं तो आपके वकीलों और दलीलों का नाटक, जुर्म और सजा का ये खेल सिर्फ इसलिए देख रहा हूं जज साहब कि मेरा दिल कुछ दिनों के लिए आराम करने को कह रहा है। जिस दिन मेरा आराम खत्म होगा, मैं आपकी इस सजा को राम राम कह दूंगा जज साहब। डाकू बजरंग सिंह, तुमने कानून को चुनौती दे देकर बहुत बड़ा अपराध किया है, और साथ ही साथ तुम्हारे पिछले तमाम अपराधों को देखते हुए कानून तुम्हें दफा 302, 307 और 375 के तहत बामुशक्कत उम्र कैद की सजा सुनाती है। चलो इंस्पेक्टर साहब, चलो। बजरंग, शब्बो, तुम यहां क्यों आई हो? जबकि हमने कहलवा भेजा था कि हमसे मिलने तुम यहां कभी मत आना। क्या करूं बजरंग, बात ही कुछ ऐसी थी जिसे बताने मुझे यहां आना पड़ा। तो फिर जल्दी बोलो और जितना जल्दी हो सके यहां से चली जाओ। मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। हां बजरंग। नहीं शब्बू, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता। मगर क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी औलाद इस दुनिया में आकर हमारे कर्मों की सजा झेले। ये गंदा समाज उसे डाकू की औलाद कह कह कर उसका जीना हराम कर दे। दिन रात हमारा ये रिश्ता नश्तर बन बन कर उस मासूम का सीना छलनी करता रहे। नहीं शब्बो, नहीं। जीने की इतनी बड़ी सजा झेलने से अच्छा है कि हमारी औलाद पैदा होने से पहले ही मर जाए। जाओ किसी डॉक्टर के पास और मार डालो उसे। हम कहते हैं जाओ। नहीं नहीं, मैं आपके प्यार की निशानी को कत्ल नहीं करूंगी। आपके खून का कतरा जो जीवन बन के मेरे पेट में पल रहा है, मैं उसे जन्म दूंगी और उसे जिंदगी से लड़ना सिखाऊंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम तुम्हें मार डालेंगे शब्बो, हम तुम्हारा गला घोट देंगे, गला घोट देंगे।